नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल इजी गार्डनिंग में। तो आज मार्च की 3 तारीख है और समर के सीड लगाने का ये सही मौसम है। वैसे तो हम इन्हें फरवरी से लेकर अप्रैल तक लगा सकते हैं, तो अगर हम इन्हें टाइम से लगाते हैं तो टाइम से ही हमें इन पे फ्लावर मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको समर में लगाए जाने वाले ऐसे प्लांट की जानकारी दूंगी जिसे हम साल भर लगा सकते हैं और फूल हमेशा आते रहते हैं, तीनों सीजन में हम उसे लगा सकते हैं। ये पौधा इतना हार्डी होता है कितनी भी भीषण गर्मी पड़ रही हो तो ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो आज मैं ग्लैडिया के बारे में बताऊंगी। ये कई रंगों में पाया जाता है, जैसे रेड, येलो, ऑरेंज, डबल और सिंगल पेटल में भी मिलता है। तो इसके फ्लावर का जो कलर है 2 रंगों में भी पाया जाता है, जैसे बीच में अलग और उसके साइड साइड में कुछ और कलर। तो जब इसके फूल खिलते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये बने रहते हैं और बड़े ही प्यारे फूल इसके खिलते हैं। तो आज मैं इसके सीड ग्रो करके आपको दिखाऊंगी। तो इसको ग्रो करने के लिए मैंने जो सॉइल तैयार की है उसमें मैंने 1 भाग मिट्टी, 1 भाग खाद और 1 भाग मैंने नदी की रेत मिलाई है, और उसमें मैंने थोड़ी कोकोपीट भी मिलाई है, और उसमें मिलाया मैंने सांप का फंजीसाइड पाउडर। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए मैंने ये अपने सॉइल पहले ही रेडी करके रख रखी थी। दोस्तों देखिए हैं ग्लैडिया के सीड जिन्हें हम अब ग्रो करने वाले हैं। तो बस इस तरह से हमें ये स्प्रिंकल कर देने हैं, ये ऐसे इस तरह। सॉइल मिक्सचर जो हमने तैयार किया था वो थोड़ा थोड़ा सा हमें सीड के ऊपर इस तरह से डालना है, दबाना नहीं है सीड को ऐसे। तो दोस्तों मैंने पहले ही मिट्टी को गीला कर लिया था, लेकिन ये क्योंकि अब हमने सीड डाले हैं इसमें तो हमें पानी ऊपर से डालना पड़ेगा। तो बस सीड हमारे लग के ये तैयार हो गया है। जब ये जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट होगी तो मैं आपको इसका वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। इन्हें हम ऐसी शेड वाली जगह पर रख देंगे जहाँ पर हल्की हल्की इनको धूप मिले। तो ये मेरे ग्लैडिया के प्लांट है जो मैंने कुछ टाइम पहले सीड से ही ग्रो किए थे। ये इतने बड़े बड़े होंगे, मैंने इनको ट्रांसप्लांट भी कर दिया है। वो वाला प्लांट है जो मैंने सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया। तो देखिए सबसे पहले करने से ये होता है कि प्लांट्स हमारा जल्दी बड़ा होता है, और जिनको हम बाद में करते हैं ट्रांसप्लांट तो वो इस तरह के रह जाते हैं। तो मैं इनको भी जल्दी ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ, तो वीडियो आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो दोस्तों ये देखिए मेरा होली होप का फ्लावर खिल गया है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जब ये खिलेगा तो मैं आप वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।